हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेदांतूस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th, जहां पे हम एनसीईआरटी की सभी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म। ये क्वेश्चन है आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशंस का सॉल्यूशन नंबर 1.11। सो ये क्वेश्चन कहता है व्हाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड्स एज द टेंपरेचर इज रेज्ड। मतलब कि अगर मैं किसी लिक्विड में गैस डालती हूँ और फिर उसका टेम्परेचर रेज करती हूँ तो जो गैस है वो धीरे धीरे क्या होगा, वो लेस सॉल्युबल होती जाएगी एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। और ऐसा क्यों होता है ये सवाल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गैस को मैंने डाला लिक्विड में, करेक्ट, यही लिखा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि जब हम कोका कोला बनाते हैं या कोई एरेटेड ड्रिंक्स बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि उस कोक में क्या डाल देते हैं, वो CO2 इज अ गैस। तो लिक्विड में गैस डाल रही है, वेरी गुड एग्जाम्पल टू विजुअलाइज दिस। तो गैस प्लस लिक्विड से क्या बनेगा, डिसॉल्व्ड गैस। ऑब्वियसली उसमें क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रही है गैस इन लिक्विड। सो जब मैं गैस को लिक्विड में डालूंगी तो डिसॉल्व्ड गैस हो जाएगी, वेरी सिंपल। और ये जो प्रोसेस होता है ना बच्चों, ये कैसा प्रोसेस होता है, इसमें हीट रिलीज होती है। इट मींस दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, विच मींस कि इसका डेल्टा H होता है नेगेटिव। एवरी टाइम जब भी लिक्विड में गैस डिसॉल्व करते तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, मतलब कि नेगेटिव डेल्टा H होगा। इसका क्या मतलब हुआ, नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर्स प्रिंसिपल, जो हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, ले चैटलियर प्रिंसिपल हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम इन 11th स्टैंडर्ड, राइट। तो ले चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, ले चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि जब व्हेन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो फिर योर, और अगर डेल्टा H नेगेटिव है इसका मतलब एंड यू आर रेजिंग द टेम्परेचर। इट मीन्स व्हाट, दैट योर रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसा क्यों होता है टू काउंटर बैलेंस, करेक्ट, काउंटर बैलेंस। यहाँ पे हीट अगर रिलीज होती है, अगर आपका जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है और आपने उसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। इसका मतलब गैस और लिक्विड अलग अलग होने लगेंगे। इट मीन्स व्हाट, इट सिंपली मीन्स दैट योर गैस विल सेपरेट आउट, will begin to separate from the liquid, separate out from the liquid जैसे आप temperature raise करते हो, correct? So this was your easy peasy solution of this question कि क्यों less soluble हो जाती है गैस temperature raise करते, क्योंकि ये reaction होता है exothermic and according to Le Chatelier's principle reaction will go in the backward direction, मतलब गैस और लिक्विड सेपरेट हो रहे हैं, इसका मतलब गैस लेस सॉल्युबल हो रही है लिक्विड में। सिंपल, इजी पीजी। फिर भी कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो and I'll see you in the next video. Also, don't forget to like and subscribe the channel. Bye bye.